हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया लेक्चर लेकर हम आ गए और ये लास्ट लेक्चर भी होगा ईएमआई का। और आज आप पढ़ने वाले हो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये तो आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पता चलने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर का नाम ही है एसी। आज एसी जनरेटर की हम बात करेंगे कि एसी जनरेटर का कैसे कंस्ट्रक्शन करो, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है और कैसे उसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे और क्या फॉर्मूला वगैरह उसमें हमको लगाना होगा। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो निकालो भाई कॉपी और पेन, उस चूहे को मार के खाना भी बंद करो। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे कमेंट में दे रखा है। शुरू करें। चलिए भाई शुरू करते हैं। अरे निकालो भाई कॉपी पेन, हेडिंग लगाओ खूबसूरत सी, एसी जनरेटर। हाउ डज एसी जनरेटर वर्क? तो एसी जनरेटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy to electrical energy in form of alternating current। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहां से बनाएगी? मैकेनिकल एनर्जी से। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में आपको मिलेगी? अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। अब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है फिजिक्स में। अभी तक करंट जो हमको मिल रहा था, मतलब इस समय के पहले जो करंट हमें मिल रहा था बच्चों, वो बैटरी से मिल रहा था, केमिकल से मिल रहा था, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। वो करंट था डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट था? डीसी, डायरेक्ट करंट। और ये क्या डिस्कवरी हुई है? ये डिस्कवरी हुई है अल्टरनेटिंग करंट की। अभी समझाते हैं। मतलब अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना एक बहुत ही महंगा प्रोसेस था, डीसी करंट, ठीक है? इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका पूरा बिजनेस संभाल रखा था थॉमस एडिसन ने। वेरी रिच पर्सन, वेरी बिग बिजनेसमैन, जिनके नाम पे हजार पेटेंट्स हैं, हजार चीजों की इन्वेंशन की उन्होंने। हाँ, ऐसा कहा जाता है इसमें से कई इन्वेंशन उन्होंने लोगों से खरीदी है और कई अपने जूनियर से बनवाई है, पर एनीवेज ऑन पेपर उनके पास हजार के ऊपर पेटेंट्स थे। वो डायरेक्ट करंट में डील करते थे और पूरी दुनिया को डायरेक्ट करंट ही देना चाहते थे, डीसी करंट, बैटरी से बनने वाला। फिर आए यार एक यंग साइंटिस्ट, एक मैजिकल इंसान, निकोलस टेस्ला। वो आए यंग थे, उन्होंने को काम चाहिए था, तो वो भी जाके थॉमस एडिसन के पास ही काम करने लगे, क्योंकि उनके पास काम बहुत था, थॉमस एडिसन के पास रख लिया अपनी कंपनी में, साथ में दोनों ने काम किया। टेस्ला वॉज मैजिकल। वो कोई चीज एक बार देख लेते थे तो कहा जाता है उनके दिमाग में उसका 3D प्रिंट बन जाता था। मतलब उनकी डायग्राम खतरनाक थी, चीजें देखते थे पिक्चर बना लेते थे दिमाग में, 3D उनको चीजें याद रहती थी। एक बार कोई किताब पढ़ ली, पूरी किताब याद रहेगी। अब ऐसा इंसान थॉमस एडिसन के साथ जुड़ गया, सोचो क्या डिस्कवरीज हो रही होंगी उस टाइम वर्ल्ड में, बहुत तेज डिस्कवरीज में। पर फिर वही हुआ कन्फ्लिक्ट। ऐसा मैजिकल इंसान अपनी सोच लेके आया अल्टरनेटिंग करंट की। कौन? निकोलस टेस्ला, यंग गाय। इन्होंने कहा अल्टरनेटिंग करंट लाते हैं साहब, सस्ता पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपके डायरेक्ट करंट से, काफी अच्छा है। एडिसन नहीं तैयार हुए, उनका बहुत पैसा लगा हुआ है डायरेक्ट करंट में, वो काफी टाइम से वकालत कर रहे हैं डायरेक्ट करंट की, अचानक कैसे पीछे हट जाए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो यही सब कहानी है, आके समझाएंगे बाद में। निकोलस टेस्ला को अपनी कंपनी से एडिसन ने निकाल दिया, बना अल्टरनेटिंग करंट। आज है हमारे घर में, आज हमारे घर में टीवी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, लाइट हो, सब एसी पे चल रहा है। तो बना, तो एक मैजिकल डिस्कवरी होने जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से मिलेगी, बिना केमिकल, बिना बैटरी के। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अभी समझाएंगे कैसे बनेगी। सर कहानी सुनाओ, बहुत मजा आ रहा। अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा मेरे साथ कोचिंग में भी होता था, कहानी शुरू होती थी फिर समोसे आते थे और समोसे में कहानी खत्म होती थी। सर हम लोगों को भी समोसा खिलाओ। अल्टरनेटिंग करंट, अ करंट विच चेंजेस इट्स
डायरेक्शन, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन, अपना साइन चेंज कर सके, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, हो सकता हो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, मे चेंज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि डायरेक्शन चेंज हो करंट का। अगर किसी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो एसी करंट कहलाएगा। और ऐसा करंट जिसका साइन, जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो, वो डायरेक्ट करंट कहलाएगा। ठीक है, हो सकता हो मैग्नीट्यूड में चेंज हो, सकता हो ना हो, साइन चेंज होना कंडीशन है, डायरेक्ट करंट की साइन चेंज नहीं होती। नोट करें। अब बात आती है कैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या सर, कुछ मोटर वोटर लगानी पड़ेगी, कुछ बैटरी लगानी पड़ेगी? कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं। झरने के नीचे अपनी मशीन रख देंगे, किसके नीचे? झरने के नीचे, वाटरफॉल के नीचे, और बढ़िया घर में लाइट आएगी। दिखाएं कंस्ट्रक्शन, दिखाएं इसी जनरेटर का। नोट करो, इतना नोट करो। सर क्या हुआ निकोलस टेस्ला का? गए फिर आगे, लोगों से मदद मांगी, एक जगह जॉब मिल गई, पर वहां अल्टरनेटिंग करंट बनाने की परमिशन नहीं मिली। जिसने जॉब दी, जिसने अपने साथ जिसने इन्वेस्ट किया, उसने कुछ और बनवाया इनसे, ठीक है, आर्क की इंप्रूवमेंट कराई, इलेक्ट्रिक आर्क की। बेटा इससे पहले कि आप थॉमस एडिसन को छोटा इंसान समझे, मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी उन्होंने की है, आपको पता ही होगा, तो वो भी एक बहुत बड़े इंसान है। ठीक है, सबका डाउनफॉल सबका अपफॉल आता है। ठीक है, अभी हम लोग निकोलस टेस्ला के हीरो बने की कहानी पढ़ रहे हैं, बाद में उनके साथ भी बुरा हुआ है, वो भी सीखेंगे। तो खैर, बात करते हैं कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसा करंट बनेगा जो अपना साइन भी चेंज करेगा। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। हमें चाहिए होंगे दो पोल मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई हमने यहां पे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बीच में आप एक कंडक्टिंग कॉइल रखो, कॉपर का बना लो, कंडक्टिंग कॉइल रखो, ठीक है। This is known as armature coil. कॉपर का बना लो इसको। यहां पे लगेगी एक स्लिप रिंग, यहां पे एक और स्लिप रिंग, इसको बोलो S1, इसको बोलो S2, अभी समझाएंगे इनका फंक्शन। यहां पे कार्बन ब्रश और यहां पे एक और कार्बन ब्रश, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे B2। यहां पे लगाओ एक हैंडल, इसको घुमा दो, एक्सेल बोल दिया हमने इसको, एक्सेल हैंडल जो बोल दो, और इसको घुमाएंगे। इसको घुमाने से ये कॉइल झुम 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 घूमेगा। नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब ये कॉइल घूमेगा तो इसके अंदर से जाने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और जिससे करंट बनेगा। जरा याद करो कि ईएमआई है क्या। ईएमआई को किसने समझाया था? फराडेज लॉ ने समझाया था, याद है फराडेज लॉ? जरा याद करो फराडेज लॉ क्या बोला था उन्होंने। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर, क्या बोला था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, विद अ कंडक्टिंग कॉइल बोल दें, लिंक्ड विद अ कंडक्टिंग कॉइल। अगर किसी कंडक्टिंग कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स याद है क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हीं को तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, कि कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे। तो फराडे ने कहा था देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टिंग कॉइल, क्या मिलेगा हमको? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और अगर वो कॉइल क्लोज्ड हो
अगर वो क्लोज्ड सर्किट बनाएगा तो क्लोज सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट, इसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो जब आप इस कॉइल को घुमाओगे तो फ्लक्स तो चेंज हो गई। देखो मान लो ये कॉइल अभी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, मान लो चार फील्ड लाइंस आ रही हैं, चार की चारों इसमें से पास कर रही है। अब ये कॉइल घूमा 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 ऐसा हो गया। अब देखो चार फील्ड लाइंस आई, दो ऊपर से निकल गई, दो नीचे से, कॉइल में से कोई पास नहीं की। पहले फ्लक्स था चार, अब फ्लक्स है जीरो। क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स। फैराडे ने यही कहा था, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल के साथ जो लिंक्ड है वो चेंज होती रहे तो ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता रहेगा, और अगर वो क्लोज सर्किट है तो करंट मिलेगा। तो सर्किट को क्लोज करते हैं, यहां से एक तार लगाया, यहां से एक तार लगाया, यहां पे आप कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहां पे एक बल्ब लगा देते हैं, रेजिस्टेंस आर, इसको बोला लोड। अब इसमें करंट बहेगा। अब करंट का डायरेक्शन नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ऐसा ना बनाना कि इधर से गया ऐसे, क्लोज सर्किट था। ठीक है, तो समझ लो कि हमने लिया अभी इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, इस केस में चार, इस केस में जीरो, फिर घूमा, फिर कितनी, चार, फिर घूम जाएगा, फिर जीरो। समझ लो, देखो चार जा रही है, थोड़ा घूमा, अब तीन जा रही है ऊपर से, थोड़ा और घूमा, दो जा रही है, थोड़ा और घूमा, एक भी नहीं जा रही। जब तक ये कॉइल घूमता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी, इसके अंदर से पास होने वाली यानी फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और तब तक ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनता रहेगा, और तब तक करंट आता रहेगा। ये है कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर का। अभी बात आ रही है क्या स्लिप रिंग क्या होती है, ब्रश क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले नोट करें, इतना नोट करें, नोट करें। फिर निकोलस टेस्ला को ये जो नई कंपनी में हायर किया गया था, इसमें से काम करवा के फिर से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक कार का इंप्रूवमेंट कराना था नई कंपनी का, इनके एसी करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर निकोलस टेस्ला एक लेबर बन गए, ये मैजिकल इंसान, ये जादुई इंसान जो 3D पिक्चर इमेजिन कर लेता है, ड्रॉ कर लेता है, बुक्स पूरी याद कर लेता है, वो अभी एक लेबर बन गए हैं। एक फ्यूचरिस्टिक सोच थी इनके दिमाग में, वरना एडिसन के साथ ये कुछ थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, बट फ्यूचरिस्टिक सोच, कुछ करना, पैसे के पीछे नहीं भागना, ये इनकी बात थी। यही इनका फेलियर भी बना बाद में। खैर एनीवेज, अभी आते हैं इसमें। तो गए फिर ये एक नई कंपनी में, इनको फिर किसी ने इन्वेस्टमेंट दिया कि चलो एसी करंट बनाओ, और तब ऐसा कुछ हुआ। तो अब बात करते हैं ये क्या चीजें हैं, S1 S2। S1 एंड S2 आर नोन एज स्लिप रिंग्स, इसको भी कॉपर का बनाते हैं। बात आता है कि ये क्यों लगाया गया। देखो बच्चों, ये कॉइल घूम रहा है, अगर आप सीधा तार लेते हैं और तार को ले जाकर यहां जोड़ देते हैं, तो जब ये कॉइल गोल गोल घूमता है ऐसे जम 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 जम, तो इसके साथ जो तो तार जा रहे हैं दोनों उलझ नहीं जाते। अरे यार ये कॉइल ऐसे घूमता तार भी जम 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 जम, तो ये तार को उलझने से बचाने के लिए हमने एक स्लिप रिंग लगाई। और क्या किया ना, देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या किया, ये जो वायर है लाग के इसके अंदर ऐसे लगा दिया, ये वाला जो वायर है इसके अंदर लाग के ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा समझो, जैसे ये कॉइल है, सॉरी स्लिप रिंग है, और इधर से कॉइल वाला वायर आ रहा है, जब कॉइल गोल गोल घूमेगा तो ये वायर इसके अंदर ऐसे टच करता हुआ घूमता है। देखो सोचो, ये मेरे हाथ को मेरे समझ लो कॉइल है, ये वाले हैंड को कॉइल, और ये वायर है, ये वाला वायर जो बाहर आ रहा है, हाथ कॉइल है और ये मार्कर, ये वायर है, हाथ कॉइल है, मार्कर वायर, हाँ, और ये हमारी है स्लिप रिंग। अब जब कॉइल घूमेगा तो ये वायर घूमेगा, और वायर इसी में हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा स्लिप रिंग। अगर स्लिप रिंग नहीं होती तो वायर ऐसे ऐसे जाता, कभी इस वायर पे टच कर पाता, कभी नहीं टच करता, कभी इसको क्रॉस करता, तो बहुत सी प्रॉब्लम होती, लगातार इसका इससे कॉन्टैक्ट कैसे बना रहता है, तो घूम रहा था। तो स्लिप रिंग क्या करती है, मेंटेन्स कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रश, ये जो कार्बन ब्रश है और कॉइल के बीच में कॉन्टैक्ट बनाते हैं। अब बताती है ब्रश क्यों लगाया, सीधा वायर से क्यों नहीं टच करा दिया, है ना, सीधा वायर से क्यों नहीं। अब ये वायर पे कैसे बंधेगा, ये तो इसको गोल गोल घूमना है,
तो हमने यहाँ पे एक ब्रश लगा दिया जिसको ये टच करता है, देखो ऐसे घिसता रहेगा, समझे यहाँ पे ऐसे ब्रश टाइप का लगा हुआ है। अब ये जैसे जैसे घूमेगा हमेशा इसके कॉन्टेक्ट में, भाई वायर होता तो हमेशा कॉन्टेक्ट में नहीं रहता ये वाला, कहोगे सर ये भी घूमता तो ये वायर घूमता तो यार फिर वो लगता। तो इस ब्रश को लगाया ताकि ये कॉइल, ये जो स्लिप रिंग है, ये घूमते वक्त ऐसे गोल 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 घूमते वक्त लगातार ऐसे ब्रश पे ऐसे हमेशा ब्रश को टच करती रहे। सो V1 V2 आर नोन एज कार्बन ब्रशेस, इनका काम क्या होता है, मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन रिंग्स एंड लोड। इसके समझ में आ गया, स्लिप रिंग क्या करती है, इन वायर का कॉन्टैक्ट बनाती है ब्रश से, और ब्रश स्लिप रिंग का कॉन्टैक्ट लोड से। सीधा सीधा तार को हम नहीं जोड़ सकते थे वरना उलझ जाता और गोल गोल कॉइल नहीं घूम पाता, इसके लिए ये दो चीजें हमने यूज की। कई बार क्या होता है कि हमसे बोलता है कि आर्मेचर कॉइल के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, यानी ये जो आर्मेचर है ये ऐसा ही खोखला नहीं है, इसके अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस डाल दिया। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि जितनी भी अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सबको अपने अंदर खींच लो। जैसे मान लो यहां से मान लो 8-10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती, इसमें से कितनी पास कर रही थी, 4 कर रही थी। अगर सॉफ्ट आयरन कोर अंदर होगा तो क्या करेगा, जितनी 7-8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सबको अपने अंदर बुला लेगा। तो इस कंडीशन में इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास करेंगी, 8, और इस कंडीशन में फिर से 0। भाई इस कंडीशन में कैसे जाए फील्ड लाइन, यहाँ तो चांस ही नहीं है, ऐसे ऊपर से टच करके नीचे से टच करके। फायदा क्या हुआ सुनो, शुरू में 4 थी और 0, चेंज कितना था 4 का। सॉफ्ट आयरन कोर लगाने के बाद शुरू में कितनी हो गई, 8। जो ऐसे ऐसे फील्ड लाइन, कुछ फील्ड लाइन देखो यहाँ से बाहर भी तो जा रही होंगी, ऐसे ऐसे ये जो फील्ड लाइन थी सॉफ्ट आयरन कोर ने उसको भी अंदर बुला लिया, इधर से भी नीचे से भी 3-4 ऊपर से भी। तो अब तो अब शुरू में कितनी फील्ड लाइंस हो गई, 8, और बाद में फिर से 0, चेंज कितना हो गया 8 का। आपको पता है जितना ज्यादा चेंज होता है उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये फैराडे का सेकंड लॉ था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ा देता है, इंड्यूस्ड करंट को बढ़ा देता है, ज्यादा आपको करंट मिलेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा क्योंकि चेंज बढ़ा दिया। यहां पे तो 0 फील्ड लाइंस ही जानी है इस कंडीशन में, जब ऐसा हो जाएगा कॉइल तब तो ऊपर नीचे से निकलनी, यहां पे पहले 4 जा रही थी, सॉफ्ट आयरन कोर डालने पे 8 हो गई। एक एग्जांपल दे रहे हैं, नोट करो, क्लियर है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, आप वर्किंग समझते हैं, बता दो दी सर आपने वर्किंग की, गोल गोल घूमेगा फील्ड लाइन, फॉर्मूला वगैरह तो आएगा, प्रॉपर वर्किंग, करंट की वैल्यू, करंट को प्रूफ करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा, नोट करें, छाप लिया, बहुत बढ़िया। तो निकोलस टेस्ला ने मेहनत की, लेबर बने 2 साल, फिर पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अल्टरनेटिंग करंट बेटर है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सस्ता है, और एडिसन गलत बोल रहे हैं, एडिसन ने उस टाइम नेगेटिव पब्लिसिटी भी की, फिर एक कॉम्पिटिशन होने लगा एडिसन और टेस्ला के बीच में, और टेस्ला को एक दूसरा बिजनेस टाइकून मिला जिसको सिर्फ इन्वेस्ट करना था, और फाइनली अल्टरनेटिंग करंट जीता और इनकी डिस्कवरी दुनिया के सामने। यहां तक निकोलस टेस्ला हीरो बने और इन्होंने अपना मॉडल यानी अपना अल्टरनेटिंग करंट का मॉडल बेचा करीब 42 लाख रुपए में, इंडियन करेंसी में 42 लाख रुपए में इन्होंने अपना मॉडल बेच दिया, उस टाइम बहुत था 42 लाख, 42 लाख। अब आते हैं वर्किंग पे, वर्किंग पे तो एसी जनरेटर में क्या है कि कॉइल को गोल गोल घूमना है, कॉइल के गोल गोल घूमने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, फराडे कहता है अगर फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसी को हम फॉर्मूले वाइज समझते हैं। सपोज कर लेते हैं जब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम जो जो कॉइल है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मतलब ये मान लेते हैं टी इज इक्वल्स 0 पे कॉइल ऐसे रखा है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, मान लेते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लेन ऑफ कॉइल इज, आप कैसा भी मान सकते हो, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, T is equal 0 पे क्या हुआ, ये मान लो नॉर्थ, ये मान लो साउथ, तो T is equal 0 पे
ऐसी कुछ कंडीशन है, ठीक। ये प्लेन के, इसका जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहां से हम रोटेशन शुरू करेंगे, तो हम बोल देते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर ये कैसे, थीटा तो 90 है, हम यहां से कहानी शुरू कर रहे हैं, मेरे लिए ये 0 डिग्री है। अब यहां से घूमेगा हम बोलेंगे 90, फिर और घूमेगा हम बोलेंगे 180, और घूमेगा 270। नहीं समझे भाई, एंगल ऑफ रोटेशन तो हम डिसाइड करेंगे ना। हमने कहा अभी हम मान लेते हैं एंगल 0, अभी हमने कुछ रोटेट नहीं किया एंगल 0, अब हम रोटेट करेंगे तो एंगल बढ़ेगा। फिर हमने कहा कि इसको हमने रोटेट किया और टी टाइम बाद ये कुछ रोटेट हो गया, मान लेते हैं थीटा एंगल रोटेट हो गया। आफ्टर टाइम टी इट रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा, ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, यानी ऐसे था ऐसे था, ऐसे रोटेट कर गया थीटा, ठीक है। थोड़ा 3D वीडियो वाली चीजें, थोड़ा सा इमेजिनेशन होना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये यहां से ऐसा था, रोटेट करते करते थीटा एंगल रोटेट करके, आप देखो ये चीज फील कैसे होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर याद है आपको किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर कॉइल ऐसे रखा है बच्चों, तो क्या एरिया वेक्टर ऐसा होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर? ऐसे अगर कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे बना सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये हो गया इस टाइम का एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इसीलिए कह दो हमने थीटा को 0 कहा, कि जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 डिग्री, एंगल कितना है 0। फिर यहां आए, अब जब ये कॉइल थीटा रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी तो थीटा रोटेट करेगा भाई। ये कॉइल है, इससे ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, जब कॉइल को थीटा रोटेट कराओगे तो एरिया वेक्टर भी कितना रोटेट किया, थीटा है कि नहीं भाई? ये कॉइल है, कॉइल से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, कॉइल को थीटा घुमाया तो एरिया वेक्टर भी इनिशियल से कितना घूमा, थीटा। यानी इस बार एरिया वेक्टर कुछ यहां आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही रहेंगे, कितना एंगल घूम गया थीटा, कितने टाइम पे, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बकवास कर रहे हो सर, कुछ समझाओ। देखो यार सिंपल सी बात है, शुरू में ये कॉइल परपेंडिकुलर रखा था हमने, माना ये कंडीशन हमारी स्टार्टिंग की, हमने माना क्योंकि एनसीईआरटी भी इसको स्टार्टिंग मानती है, अलग अलग किताबें अलग अलग जगह पे स्टार्ट कर सकती है कहानी, सबका रिजल्ट सेम आएगा। अब एनसीईआरटी बोलती है यहां से शुरू करेंगे, हम यहीं से शुरू करें। हमने कहा इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। अरे यार ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जूम जूम जूम, ये रखा कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बना एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0। फिर थोड़े टाइम बाद कॉइल रोटेट करते 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 यहां पहुंचा, करते 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 यहां पहुंचा, अगर कॉइल थीटा रोटेट किया तो एरिया वेक्टर भी थीटा रोटेट किया, अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कितना एंगल थीटा। शुरू में एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, यहां से थीटा रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है तो एंगल थीटा हुआ। मान लेते हैं ये रोटेशन एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हुआ, लेट अस से कॉइल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी टाइम में, टी टाइम में कितना घूमा है थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलरली कितना डिस्प्लेस हुआ थीटा, तो थीटा बाय टी बोल सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, नोट करें इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, नोट करें इतना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लिख लिया। अरे टी टाइम में थीटा घुमा तो एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, छापे इसको ये मिटाने जा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं,
ओके, अब हम पूछें इस इंस्टेंट पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। हम आपसे पूछें व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स पाई भी होता है ना, कहता लिखोगे बी डॉट ए, यही फॉर्मूला होता है। बी और ए के बीच एंगल कितना है थीटा, यानी बी ए कॉस थीटा। क्या थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं? सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज बी ए कॉस ओमेगा टी। बोलो, बोल सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय से लिंक है एट टाइम टी। अच्छा, यहाँ पे एक ही कॉइल है बट एक्चुअल जनरेटर में एन टर्न्स होते हैं, यानी बहुत सारे कॉइल्स लगा दिए जाते हैं। फायदा क्या होगा भाई, जितने कॉइल्स लगा दोगे फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। एक कॉइल से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, यही मान लो एन कॉइल्स हम कचक 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 एन टर्न्स बना दें हम। टर्न्स किसके अराउंड होते हैं पता है, सॉफ्ट आयरन कोर के अबाउट टर्न्स, तभी बोलते हैं एन टर्न्स। एन बार टर्न कर दिया सॉफ्ट आयरन जो कोर रखा उसके, अगर एन टर्न्स बना दे तो फ्लक्स भी एन गुना बढ़ जाएगा। एक कॉइल से इतना फ्लक्स तो सारे कॉइल से मिला के, इफ देयर आर एन टर्न्स देन टोटल फ्लक्स, इसको हम बोल देते हैं फाई नेट, चलो कितना हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी ये मैं डाल लूं ऊपर वाला एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये टोटल फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल टी टाइम पे। अब हमसे किसी ने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, पहले इसको नोट करेंगे ठीक है फिर आगे। किसी ने हमसे कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, अब फराडेज लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी फ्री, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, माइनस लगाते हैं लेंज लॉ की वजह से कि जो डायरेक्शन होता है अपोज करता है चेंज को, और क्या था फ्लक्स लोगे यहां पे टोटल लोगे नेट फ्लक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है या यानी माइनस डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। देखो n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, हमने मान ली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एरिया कांस्टेंट, कॉइल का एरिया कांस्टेंट, यानी n भी है तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएट सिर्फ ये होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस n b a डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू dt। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin ओमेगा t, और ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी बाई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और यहाँ देखो ओमेगा तो ओमेगा बाहर भी आएगा इंटू ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बधाई हो बधाई हो, इंड्यूस ईएमएफ आपको मिलने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिला आपको इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इस किसी ने कहा कि एन कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ओमेगा हमने कांस्टेंट लिया, हमने खुद ही तो बोला इफ इट इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सारे कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट लगाएंगे। हमने बोला लेट एन बी ए ओमेगा इज इक्वल्स टू ई नॉट, तो हमने बोला ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा को हमने E नॉट बोल दिया, ठीक है यहाँ साइड में लिख लो E नॉट इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा, नोट करें ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, एकदम बढ़िया फराडेज लॉ लगाया हमने, T टाइम पे देखा कितना फ्लक्स लिंक्ड है BA cos थीटा, BA cos थीटा, T टाइम पर थीटा रोटेट कर गया था BA cos थीटा, थीटा की जगह ओमेगा T रखा, कि हमने कहा अगर n टर्न्स हो एक से इतना फ्लक्स तो n से इसका n गुना फ्लक्स, तो हमने कहा इंड्यूस ईएमएफ डिफरेंशिएट कर दो नेगेटिव लगा के, डिफरेंशिएट किया एनबीए बाहर आया डिफरेंशिएशन ये ये ये, तो हमने कहा एनबीए ओमेगा को चलो ई नॉट बोल देते हैं क्योंकि सब कांस्टेंट ही टर्म्स हैं, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिख रहा है कुछ कुछ साइन वाला ग्राफ, करंट पे आके देखते हैं इसको, मिटा दें नोट कर लें पॉज करके, एक दो तीन चार पांच मिटा दें,
ओके, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर हमने कहा कि क्या हम इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं, कॉइल तो क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट भी बनेगा। भाई करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। मान लेते हैं एक्सटर्नल लोड और अंदर के वायर्स का भी रेजिस्टेंस मिला के आ रहा है, सपोज कर लेते हैं एक्सटर्नल लोड भी था और अंदर के वायर सबका रेजिस्टेंस मिला के आ, तो ये कितना बन जाएगा, ईएमएफ कितना है, ई अपॉन आर, यानी ई की वैल्यू बोलो, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये बनेगा। यानी करंट हमको मिलेगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताओ ई नॉट एक कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या इनकी जगह भी हम एक नया कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं और बोल सकते हैं I is equals to I not sin omega t। ये मिल गया alternating current। E not by R को एक कॉन्स्टेंट हमने नया बोल दिया भाई, E not by R को हमने I not बोल दिया, कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये वैसे मैक्सिमम करंट होता है, ये सब अगले चैप्टर में और समझ में आएगा, अभी तो हम थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएंगे, एसी नाम ही अगले चैप्टर का। E नॉट बाय आर को हमने I नॉट बोल दिया, E नॉट मतलब एन बी ए ओमेगा बाय आर को हमने I नॉट बोल दिया। I नॉट मैक्सिमम करंट है जो बह सकता है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा इस पूरी कहानी में और करंट का डायरेक्शन भी। ग्राफ बनाया जाए करंट का, नोट कर लें, ग्राफ बनाते हैं, छाप लें पॉज करके। फिर निकोलस टेस्ला ने जब 42 लाख में अपनी ये डिस्कवरी बेच दी, उसके बाद वो ओवर एम्बिशियस हो गए और उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया कम्युनिकेशन सिस्टम पे। उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाया जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेडियो में और बाकी सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आज के टाइम पे। उसके बाद वो अपने लाइफ के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में लग गए, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कि फोन करके किसी से बोलो तो फोन से करंट आ जाए। एंड इट फील्ड मिटा राजा सर, बचपन से क्यों हम लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम ज्यादा सुना था और निकोलस टेस्ला का नहीं। निकोलस टेस्ला के पास पूरी लाइफ में मिला के 300 पेशेंट हैं, एडिसन के पास 1000। निकोलस टेस्ला इज नॉट दैट रिच, एडिसन इज वेरी वेरी रिच। मिटा रहे, ओके। देयर आर थ्योरीज दैट समवेयर निकोलस टेस्ला आल्सो सपोर्टेड ब्लैक मैजिक। And it is said that once he has discovered device which can make a person invisible, इसके ऊपर हॉलीवुड वालों ने मूवीज बनाई हैं, due to some magnetic field effect, I don't know, मैंने तो पढ़ा नहीं इतना खतरनाक magnetic field, सर गायब हो जाएगा। चल आ जा वापस, ग्राफ बना, I is equals to I naught sin omega t, ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो sin का ग्राफ बनेगा, आ जा भाई, आ जा आ जा। यहां पे हम लेंगे करंट आई, यहां पे हम लेंगे थीटा और टाइम, दोनों के वर्सेस बनाते हैं। सबसे पहले थीटा 0 डिग्री, ये 0 था, घूमते घूमते 90, थीटा 90, घूमते घूमते थीटा 180, घूमते घूमते थीटा 270, घूमते घूमते थीटा लास्ट में कितना हो जाना चाहिए, 360। 90 90 का हमने रोटेशन लिया, 0 90 270 एंड लास्ट में 360। टाइम देखो, शुरू में 0, ये कितना रोटेशन हुआ है, 1/4। अरे यार 360 का मतलब जहां से चले तो वहीं आ गए, तो ये 1/4, तो इसको हम बोल दें T/4। ये कितना हो जाएगा, T/2, आधा रोटेशन हो गया। ये कितना, 3T/4, और ये कितना, टाइम T। तो sin ओमेगा t का ग्राफ आप लोग कितनी बार पढ़ चुके हो एसएचएम वगैरह में, एसएचएम का ग्राफ है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, टिंग टिंग टिंग। दो दिल मिल रहे हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बन के सामने आया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो आप ध्यान देखते हो, करंट आधी साइकिल पे पॉजिटिव है, आधी साइकिल पे नेगेटिव। हाँ, करंट अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करा, देखो लगातार करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आके करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। इसी मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट बोलते हैं, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। ये थीटा है ना, इसको 90 रखो, अरे ये तो पूरा थीटा है,
I is equals to I naught sine theta. Theta को भी 90 रखो, sine 90 is 1. तो 90 रखा, ये 1, यानी current कितना आएगा? I naught. और यहाँ पे minus 1 आ जाएगा, sine 270 रखोगे, minus 1, यानी minus I naught. तो करंट अपना वैल्यू भी चेंज कर रहा और डायरेक्शन भी. वैल्यू चेंज करना कंडीशन नहीं है एसी की, पर डायरेक्शन चेंज करना कंडीशन है. ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और बनता है एसी जनरेटर से. नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट. अब ये कहानी बहुत ही आसान थी, मतलब निकोलस टेस्ला वाले क्या बना के गए हैं कि उन्होंने सबसे पहला एक तो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया. कि अभी तक बैटरी से आप करंट बना रहे थे, हम कुछ नहीं, हमें एक झरना दो, एक वाटरफॉल दो, उसके नीचे हम अपना सेटअप लगा देंगे, पानी गिरेगा टर्बाइंस पे, यानी इसकी ब्लेड्स बना देंगे, इसी कॉइल के अगल-बगल ब्लेड लगा देंगे, पानी गिरेगा टर्बाइंस पे, गोल-गोल घुमाएगा. प्रोजेक्ट बनाया होगा स्कूल में आपने, मान लो ये टर्बाइन लगा दी यहां पे, ऐसे ऐसे उसके पंख हैं, उस पे पानी गिरा, अरे ऐसे ऐसे ब्लेड वाला ऐसे टर्बाइन देखा होगा, उस पानी की ये घुमा, उससे एक आप शाफ्ट लगा दो वो घुमा, उससे एक्सल लगा दो वो घुमा, उससे एक कॉइल घुमा और उससे करंट बन गया. कुछ नहीं करना, झरने के नीचे गए टर्बाइन और ये पूरा अपना लगा के घर पे जाके सो गए, बन गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हमने कोयला लिया, कोयले को जलाया, उससे पानी को गर्म किया, फिर नहाने चले गए. नहीं, पानी गर्म किया, उससे स्टीम बनाई, स्टीम को हाई प्रेशर पे इस टर्बाइन पे फेंका, हाई प्रेशर पे स्टीम जाएगी, टर्बाइन घुमाएगी, टर्बाइन से शाफ्ट घुमा, शाफ्ट से एक्सल घुमा, एक्सल से कॉइल घुमा और फिर करंट बन गया, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन गया. फिर हमने कहा हमारे पास बहुत न्यूक्लियर एनर्जी है, हम कोयला क्यों जलाएं, हम न्यूक्लियर एनर्जी से हीट प्राप्त करेंगे, उससे पानी को गर्म करेंगे, उससे स्टीम बनेगी, उसको हाई प्रेशर पे टर्बाइन में भेजेंगे, घुमा और करंट बन गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया. तो इस तरह से आज के टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ऑल थैंक्स टू निकोलस टेस्ला एंड न्यूमरस मैनी अदर साइंटिस्ट जिसके बारे में आज हम डिस्कशन नहीं कर पाए. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.